इंसानों के नाम अफजार रेहान, महात्मा गांधी अजीम इंसान मगर नाकाम सियासतदान। 30 जनवरी का दिन हमें पूरी दुनिया में अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी की याद दिलाता है, 20वीं सदी के इस महान इंसान की जिसने जान दे दी लेकिन अपने पवित्र आदर्शों के वकार पर आँच नहीं आने दी। आज वो सारे संसार, अक्वामे आलम और उनकी सुलझी क्यातों के लिए जीजस और बुद्धा की तरह अदम तशद्दुद का सिंबल है। रविंद्र नाथ टैगोर, खान अब्दुल गफार खान, बादशाह खान और अब्दुल समद अचकज़ई से लेकर मार्टिन लूथर किंग, बराक ओबामा और नेल्सन मंडेला तक, अमेरिका और यूरोप से लेकर एशिया अफ्रीका तक, मगरब मशरक की तमाम अमन पसंद सियासी और फिक्री लीडरशिप इस महान हस्ती की अजमत के सामने सरनगूं है। 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया में आलमी सतह पर जिस शख्सियत का जन्मदिन नॉन वायलेंस डे के तौर पर मनाया जाता है, वो बुनियादी तौर पर मजहबी आदमी थे मगर उन्होंने सियासत सेकुलर की। इस शख्सियत ने हिंदू मत के साथ साथ मसीहत का भी मुताला कर रखा था और इस्लाम को भी इस कदर समझा था कि बिला झिझक अवामी खुतबात में यहाँ तक कह जाते थे कि श्री रामचंद्र जी सरकार और कृष्णा महाराज तो अफसानवी तस्वरात में घिरी हुई महान हस्तियाँ हैं, जबकि पैगम्बर इस्लाम और उनके खुलफा तारीखी तौर पर ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अपने नजरियात और तस्वरात को जमीनी तौर पर लागू करवाया। ये बदनसीब शख्स मोहनदास करमचंद गांधी थे जिन्हें मुसलमानों ने पाकिस्तान की भारी अक्सरियत 90% से भी ज्यादा मुताला पाकिस्तान की बरकत से आज भी मक्कार दोगला मुनाफिक समझती है और यकीनन ऐसी नहीं मगर काफी मनफी सूरत हाल आज के हिंदुस्तान में भी है। जब से रासखुल अकीदा हिंदू क्यादत बसर इक्तदार आई है, गांधी जी की दिन रात दरगत बनाई जा रही है। जिधर चंद हिंदू खुले बंदों महात्मा गांधी को हमारे मुसलमानों की तरह बुरा कहते हैं, इस अमर पर बहस हो सकती है कि रासखुल अकीदा या आम हिंदू गांधी जी को गलत समझने में कितने हक बजानब हैं या मुकम्मल शिद्दत का मुजाहरा करते हैं। अलबत्ता मुसलमान इस तरह क्यों समझते हैं ये ऐसी नाकाबले फहम गुत्थी है जिसे सुलझाया जाना चाहिए, अपनी समझ से तो बाहर है। तमाम तर तस्ब नफरत के बावजूद इंडिया में गांधी जी को ये सहूलत जरूर हासिल है कि उन्हें जितनी आजादी के साथ बुरा साबित किया जा सकता है इतनी आजादी के साथ अच्छा साबित करने के लिए दलाइल भी दिए जा सकते हैं, जबकि हमारी मुमलकत बदनसीब में उन्हें सिर्फ बुरा साबित करने की मुकम्मल आजादी है। इसके बरक्स नुक्ता नजर कि इनकी हैसियत मुसलमानों के एक सच्चे हमदर्द की थी जिन्होंने मुसलमानों की जाओ बेजा हमायत हमदर्दी करते हुए अपनी जान गंवा दी। कम से कम 7 दहाइयों में दरवेश को यहाँ इसकी गुंजाइश दिखाई नहीं दी है। बिलाशुबा जिन्ना ने इनकी दर्दनाक मौत पर पाकिस्तान में सरकारी सतह पर शोक का ऐलान किया और गवर्नर जनरल की हैसियत से ताजीती बयान भी जारी फरमाया, लेकिन इस अफसोसनाक मौका पर भी वो हिंदू मुस्लिम इम्तियाज या तअस्सुब नहीं भूले, एक अजीम हिंदू रहनुमा जो कभी हिंदुस्तान में पैदा हुआ। महात्मा गांधी ने यह साबित करने के लिए जान दे दी कि वो बहुत हिंदुओं के नहीं बशमूल मुसलमान जनूबी एशिया तमाम मजहबी फिरकों के भी हमदर्द रहनुमा है। दर्दनाक मौत मरकर भी वो ये दावा मनाने से कासर रहे, अपने तई वो जरूर ये समझते होंगे कि अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कंद। दर हकीकत किसी गैर मुस्लिम को अपना लीडर मान लेना हम अमतुल मुस्लिमीन की सृष्टि में नहीं है, चाहे वो उल्टा लटक जाए, अपनी पूजा पाठ का आगाज कुरान शरीफ की तिलावत से करता हो या अवामी मजालस में कलमा तैयबा का विर्द करता पाया जाए। इसके बरक्स असली मुसलमान चाहे उन्हें हमारे अनाड़ी मदारी या बीमारी की तरह मजहब की अबजद का भी इल्म ना हो, अपने इस्लामी नाम और मोटी मोटी इस्लामी तकरीर से मुसलमानों का हीरो बन सकता है, बाकी गरीब आवाम से हमदर्दी या दबे हुए तबकात के लिए कल्बी और शोरी अमंग के साथ जदोजहद तो बेमानी चीजें हैं। बस मॉडर्न असलूब में इस्लाम पर 2-4 लच्छेदार जज्बाती तकरीर आनी चाहिए। नथुराम गोडसे और सावरकर जैसे मुतशद्दिद कातिल और जुनूनी ये समझते थे कि मुसलमानों ने हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा है, लेकिन इतनी बड़ी जनता के इतने बड़े लीडर महात्मा गांधी ने इन मुसलमानों के एक सख्त जुमला तक नहीं कहा, उल्टे मुसलमानों को बचाने के लिए कभी कलकत्ता नुआखरी और कभी दिल्ली की गलियों में धक्के खाते रहे और यहाँ तक फरमाते रहे कि मुसलमान अगर हम हिंदुओं को मार कर खुश होते हैं तो हमारी गर्दनें हाजिर हैं, वो हमारी गर्दनें काटते थक जाएंगे मगर हम इनके बिलमुकाबल खड़े नहीं होंगे। पार्टीशन पर जो अफसोसनाक बलवे हुए बात मौत इन तक ना थी, मोपला तहरीक की स्टडी फरमा लें, हिंदुओं पर जिस तरह शबखून मारे गए बल्कि दिन दहाड़े जिस तरह बेदर्दी से हजारों बेगुनाह हिंदू कत्ल किए गए, इस तमाम तर खून खराबे के बावजूद गांधी जी ने मुसलमानों को कोई सख्त लफ्ज तक नहीं कहा, बल्कि ऑटोमन अम्पायर जैसी जालिम अमरीत की हमायत में जब यहाँ की मुस्लिम जुनूनियत तहरीक खिलाफत की शिद्दत भड़का रही थी तो गांधी जी नारवा तौर पर इसके लिए हलकान हो रहे थे और मसायब झेल रहे थे। कुछ इसी नौ की पॉलिसी आगे चलकर महात्मा गांधी के चेले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बरसों अपनाए रखी। आज हिंदुस्तान की हिंदू मेजोरिटी के दिलों में महात्मा गांधी और पंडित जी के खिलाफ जो गमो गुस्सा है, बीजेपी की सोच से कामल इत्तेफाक न रखने वालों के नजदीक भी ये गमो गुस्सा बेवजह नहीं है, ये सब इन कर्मों का
फल है जो आज की कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में काट या भुगत रही है। मसला राहुल या सोनिया जी की क्यादत का नहीं, प्रियंका को भी आप लोगों ने आजमा कर देख लिया। इनके बड़ों ने यकतरफा तौर पर 200 मुसलमानों की जो यकतरफा हमायत पहम जारी रखी, इसका गुबार थमते नहीं दिखता। आज इनकी औलादें आम हिंदुस्तानियों की नजरों में टका टोकरी हो चुकी है और रद्द अमल में मोदी जी और इनकी जनता पार्टी का बोलबाला है। आज अगर कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ना है तो फिर बदले हुए हालात में नए विचारों के साथ आना होगा। आज हिंदुस्तान की अपने तई खालस और हकीकी हिंदू क्यादत ने एक मिनोरिटी की खुशनुदी का खप छोड़कर अपनी जनता की वसी तर भावनाओं को एहतराम दिया है। एक फिरके के खसूस स्टेटस को लपेट कर इंडियन आइन में की गई नारवा और इम्तियाजी शिकों का खात्मा करते हुए हमसायों को भी सबका इंडियन वतीरा बदलते हुए इन्हीं की जुबान में जवाब दिया है। तो अब उन्हें किसी कदर याद आया कि गांधी और नेहरू तो ऐसे ना थे, वाकई वो ऐसे ना थे, दोनों साधु और पंडित थे। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान में आज भी महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के हक में लिखने या बोलने की इजाजत नहीं है। रासुखुल अकीदा हिंदू ये समझते हैं कि जिस क्यादत ने जनता के दुख दर्द को तर्ज कर मुस्लिम मिनोरिटी की खुशनुदी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए रखा, इनके साथ यही सलूक होना चाहिए था। दरवेश ने पुराने वक्तों में आज से कुछ चौथाई सदी कबल एक आर्टिकल तहरीर किया था, महात्मा गांधी को किस जुर्म में कत्ल किया गया। पाकिस्तान अखबार के एडिटर साहब ने उसे पढ़ने के बाद पेशानी पर लिखा, ये आर्टिकल रोजनामा पाकिस्तान में नहीं सिर्फ रोजनामा हिंदुस्तान में छप सकता है। ऐसे कमेटी तस्बात में अवाम को महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के मुकाम पर पहुंचने में हनूज खासा वक्त लगेगा। इसलिए हम बजा तौर पर यह कह सकते हैं कि हर दो शख्सियात सियासतदान थी ही नहीं, गांधी जी असली हकीकी मानों में एक साधु थे, जबकि पंडित जी हिंदुस्तान से अपनी तमाम तर मोहब्बत के बावजूद सियासतदान नहीं, एक दानिशवर लिखारी या फिलासफर थे। शायद इसी की कीमत आज का भारत भुगत रहा था। दरवेश पूरी दयानतदारी से यह समझता है कि गांधी जी अवलो आखिर इंडिया को एक मुतहद्दा हिंदुस्तान की सूरत देखना चाहते थे, बावजूद जो गेम सियासी और कानूनी तौर पर गांधी जी के हाथों से निकल गई थी, इस पर किसी वक्त जरूर बहस की जाएगी। उसे वो अपनी अखलाकी बलतरी और प्यार मोहब्बत के बर्ताव से वापस लाना चाह रहे थे। बिलाशुबा अपने तई भारत माता की एकता और अखंडता के लिए वो खून रेजी पर तो आमादा नहीं हो सकते थे, अलबत्ता अपनों का खून देकर भी वो दिलजोई और प्यार मोहब्बत से दूर जाने वालों को करीब लाना चाह रहे थे। आज उन्हीं की वजह से इंडिया में शायद आप पाकिस्तान से भी ज्यादा इंडियन मुसलमान है। मुसलमानों की हमायत हमदर्दी में अगर वो अपनी जान पर खेल गए या पाकिस्तान को 55 करोड़ की खतीर रकम दिलवाने के लिए मर्द भर तक चले गए, तो इसके पीछे इनका असल जज्बा मुहरका हिंदुस्तान या हिंदुस्तानियों की एकता और अखंडता की लगन के सिवा कुछ नहीं था। सियासी तौर पर आप उसे इनका गैर सियासी मेजॉरिटी की दिल आजारी पर मबनी आम काना फैसला भी कह सकते हैं। अपने तई वो ये ख्याल किए बैठे थे कि इस तरह की जदोजहद से वो मुस्लिम मेजॉरिटी खितों के बासियों का दिल जीत लेने के बाद लुटे पुटे हिंदुओं के अवामी जत्थे पाकिस्तान ले जा बसाएंगे और वहाँ के अवामी जत्थे हिंदुस्तान ले आएंगे। यूं दूरियों को मिटाकर वो एक नौ की अवामी ताकत से एकता बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह सोचते हुए वो ये भूल गए कि जिस हिंदू मेजॉरिटी की ताकत पर इनकी क्यादत का सिंहासन कायम है, जब वो उन्हीं का एतमाद खो बैठेंगे तो गैरों का एतमाद कैसे हासिल कर पाएंगे। गैरों ने अगर इन पर एतमाद किया होता तो बात यहाँ तक पहुँचती ही क्यों। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अगर वो जनाह साहब की जिद पूरी कर देते, उन्हें ऑल इंडिया का गवर्नर जनरल बनवाने में कामयाब हो जाते, तो इंडिया ने कहीं नहीं चले जाना था। मन को समझाने की बात थी। लीग और कांग्रेस के रोल पर बहुत कुछ लिखा बोला जा सकता है, खाली जज्बों से खितों या दिलों को फतह नहीं किया जा सकता, चाहे ये कितने ही खलूस भरे क्यों ना हो। इसका नतीजा यही निकलना था जो निकला। हर दो फ्रीकैन ने इनके इस जज्बा खलूस का बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाया। वो बेचारगी की ऐसी तस्वीर बनकर रह गए कि अपने भी खफा मुझसे हैं, बिगाने भी न खुश। अलबत्ता अपने इन अजीम आदर्शों के कारण अक़वाम आलम इंसानियत के लिए वो अहिंसा, कृपा, नॉन वायलेंस, अमन सलामती और मोहब्बतों युगांगत की पहचान और आवाज बनकर यूं उभरे कि जिस तरह किसी जमाने में रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा करार दिया था, इसी तरह आइंस्टाइन ने इनके लिए ये तारीखी अल्फाज एक नया संसार आबाद किए हुए हैं। कि इस नीली छतरी ने जीजस यानी सैयदना मसीह के बाद इतना पासा हमदर्द अजीम इंसान नहीं देखा, और आने वाली नस्लों को यकीन नहीं आएगा कि इतना महान इंसान इस दौर में हमारे दरमियान मौजूद था। आसमां तेरे शमशान घाट पर शबनम अफसानी करे, सब्जा नरस्ता इस पवित्र मुकाम की निगहबानी करे। रफी साहब ने इस महात्मा के लिए क्या खूब गाया था, सुनो सुनो ए दुनिया वालो बापू की अमर कहानी, वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालो बापू की ये अमर कहानी, वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। और बंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया, मात पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाकर विद्या पाई, बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई।
लेकिन जो फानी दुनिया में अमर कहाने आते हैं वो कब माया मोह में फंस कर अपना समा गंवाते हैं। फिर डांडी पर जाकर अपने हाथों नमक बनाया, सारे देश को सत्याग्रह का सुंदर सबक पढ़ाया। भारतवासी जपते थे फिर गांधी नाम की माला, 40 करोड़ दिलों में छाया एक लंगोटी वाला। 30 जनवरी शाम को बापू बिरला घर से बाहर आए, प्रार्थना स्थान की जानिब धीरे धीरे कदम बढ़ाए। लेकिन उस दिन होनी अपना रूप बदल कर आई, और अहिंसा के सीने पर हिंसा ने गोली बरसाई। बापू ने कहा राम राम और जग से किया किनारा, राम के मंदिर में जा पहुंचा श्री राम का प्यारा। आखिर में आशा जी का गाया हुआ हिंदी बच्चों का ये गीत, जिसने दरवेश को बचपन से ही इंस्पायर किए रखा, जिसके चरबे भी बने मगर चवन की फिल्म जिगरेती के ये बोल हमेशा अमर रहे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सतह की सोटी, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी, दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, मांगा ना कोई तख्त ना कोई ताज ही लिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था ली छोटी, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी, दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।